अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमित्रा देवी बहु पर अत्याचार नहीं चलेगा, बहु पर अत्याचार नहीं चलेगा। सुमित्रा देवी बहु पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुमित्रा देवी अरे नंदिनी, तुम ऐसे अचानक इन औरतों को लेकर हमारे घर? सोनी, कल से तुम्हारे घर से किसी के गिड़गिड़ाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई माफी मांग रहा हो, कोई रो रहा हो। कल तुम्हारी बहू को काफी लोगों ने बाहर गार्डन में देखा। मैं सच जानने के लिए इन एनजीओ की औरतों को यहाँ लेकर आई हूँ। कहीं तुम अपनी बहू को प्रताड़ित तो नहीं कर रही? इससे पहले कि मैं फंस जाऊं, मैं निकल जाता हूं। तुम्हारी पड़ोसी हूँ, इसलिए सिर्फ अभी इन औरतों को लेकर आई हूँ, वरना सीधा पुलिस को लेकर आते और वो वहीं के वहीं अरेस्ट कर लेते। बड़ा शौक है ना तुम लोगों को महिला मुक्ति मोर्चा निकालने का? अपना घर तो संभाला जाता नहीं, दूसरों के घरों में ताक झांक करते हो। अरे निकलो यहाँ से, ये हमारे घर का मामला है और हम देख लेंगे। तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से अभी के अभी, निकलो। देखिए इस दुष्ट औरत को कैसे अपनी बहू को सता रही है, उस पर अत्याचार करती है। और देखो इस बेचारी बहू को, और इसके कपड़े तो देखो कैसे गरीबों जैसे कपड़े पहना रखे हैं। और देखो, ओह कोयला बिछा रखा है। ओहो, इस कलयुग में इनको अग्नि परीक्षा देनी है। हे भगवान, और देखिए इस पूरे परिवार ने इस बहू को परेशान कर रखा है। किसने कहा तुमसे कि मैं इसे सता रही हूँ? कब देखा तुमने? अच्छा नहीं सताती तुम तो, ये जलते हुए कोयले क्यों बिछा रखे हैं तुमने? हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि आप अपनी बहू को इस पर चढ़ाने वाली थी। माँ जी एक सेकंड, माँ जी अब क्यों इन औरतों से पंगा ले रही है? देखिए इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, पुलिस वालों से कनेक्शन होता है इनका। माँ जी सोचिए, अगर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया ना, हमको इनका इसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा, नाम खराब हो जाएगा हमारा माँ जी। और ये सोचिए कहीं घरेलू हिंसा के चक्कर में सबको जेल ना जाना पड़ जाए। अरे ऐसे कैसे जेल जाएंगे? माँ जी देखिए, मैं बात कर रही हूँ, मुझे थोड़ा समझाने दीजिए इन लोगों को, प्लीज मैं बात करती हूँ। शायद आप लोगों से कोई गलतफहमी हुई, मैं इसकी सास हूँ। छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं ना। देखिए आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई आज, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। देखो ये माफी वाफी से कुछ नहीं होगा, पहले ये बताओ तुम्हारी बहू ये कोयले में क्यों चलने वाली थी? वो हमारी माँ जी थोड़ी पुराने विचारों की है ना, तो उन्हें किसी एक ढोंगी बाबा ने, शायद वो चले गए। उन्होंने हमारी माँ जी से कहा था कि अगर हमारी बहू इस कोयले पे चलेगी तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी और बहुत सारी बातें। बस इन्हीं वजह से हमारी माँ जी ने रोही को इस कोयले पे चलने के लिए कहा था, और कोई बात नहीं। माँ जी के उस अंधविश्वास के लिए भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी वाफी बाद में देखी जाएगी, पहले मैं तुम्हारी बहू रूही से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। रूही बेटा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें यहाँ सच में कोई परेशान कर रहा है? कहाँ जा रहे प्रतीक के पापा? पूनम बहुत बेचैनी हो रही है और रूही की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो लड़की किस हालत में होगी। सोचता हूँ एक बार उसके ससुराल जाके उसे मिल लूँ। अरे प्रतीक के पापा, आप अपनी तबीयत देखिए, कितने बीमार हैं आप, ऐसे कैसे अभी रूही के घर जा सकते हैं अगर आपकी तबीयत और बिगड़ गई तो? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है पूनम, हल्का सा सर्दी जुकाम है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लड़की बेचारी किस हालत में होगी, मैं एक बार जाके मिलवाऊंगा तो शांति हो जाएगी। अगर प्रतीक के पापा रूही की हालत देखेंगे तो इनकी तबीयत तो बिगड़ेगी, साथ ही उसको उठाकर वापस यहाँ ले आएंगे।
अब कैसे रोकूं इन्हें? प्रतीक ए पिंकू, देख ना बेटा ये क्या कह रहे हैं, कैसी जिद पकड़ कर बैठ गए तेरे दादू। कार में ये रूही के घर जाने की बात कर रहे हैं, इतनी तबीयत खराब है इनकी, रोक ही नजर आए, समझाए। दादू आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं जाके देख के आता हूँ ना। आप प्लीज घर पे रहिए और आराम कीजिए। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या क्या है आप लोगों को है। अरे बेटी का ससुराल है वो, है ना, उसकी अपनी गृहस्थी है, जमाने दो उसे। जबरदस्ती ऐसे कोई जाता है क्या बार बार लड़की के ससुराल? अच्छा लगता है क्या? क्या सोचेंगे वो? कोई कहीं नहीं जाएगा बस। नहीं 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 पूडम, जिसे जो सोचना है सोचे, मुझे बहुत बेचैनी हो रही। मैं जब तक रूही से मिल नहीं लूंगा मैं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। एक बार मैं जाके आता हूँ। हाँ दादी जी, दादू को चले जाने दीजिए, एक बार रूही दीदी को देख लेंगे ना तो उनका मन शांत हो जाएगा। पिंकू जी आप साथ में ले जाइए ना दादू को। हाँ दादू मैं चेंज करके आता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। बेटा साफ साफ बताओ क्या तुम्हारे साथ इस घर में दुर्व्यवहार होता है? देखिए ये मेरा परिवार है और ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। मेरी सास है, मेरे पति हैं और मेरी ननद है। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ रूही कल तुम्हें कुछ लोगों ने बाहर? अरे अरे रूही भाभी आप ठीक तो हैं? रूही को कमरे में ले जाओ। जी माँ। आई भाभी। अरे ऐसे कैसे कमरे में? माँ जी रूही अपने कमरे में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर ही तो है उसका कमरा। बात को समझिए अवनी, ले जाओ। आज तो आपकी बहू ने आपको बचा लिया, लेकिन इसकी हालत देखकर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि आप सब मिलकर इस पर अत्याचार करते हैं। जिस दिन हमको पता चला ना कि आप सब मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उस पर अत्याचार कर रहे हैं, तो समझ लेना उस दिन से आप सब परिवार वालों को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए कभी भी हमारे घर आकर देख सकती हैं। अभी तो मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे उसे देखने जाना है। अभी आप लोग चले जाइए प्लीज। चलो ये समाज सुधारक वाली औरतें हमारे घर में क्या कर रही है? फिर क्या बात है? छोटी माँ बाहर। बेटा छोटी माँ ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये औरतें और ये कोयला क्यों है यहाँ पे? कोई बताएगा मुझे ये कोयला क्यों है यहाँ पे? रोहित दादी क्या चल रहा है ये सब, रूही कहाँ है? बेटा देख तू शांत हो जा, रूही अपने कमरे में आराम कर रही है। अपने कमरे में? ये सब उन महिला मोर्चा वाली औरतों की वजह से हुआ है। वो गोद ली हुई रूही फिर से घर के अंदर आ गई। इस घर को शुद्ध करना होगा। शुद्धिकरण? आपको शुद्धिकरण की पड़ी है दादी? यह पता नहीं आप रूही के साथ क्या क्या करने वाली थी, ये सब क्या है दादी? ये पोस्टर, ये बाउंड्री, ये कोयला क्यों है यहाँ पे? छोटी माँ ये कोयला क्यों है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे?
भैया, दादी इस कोयले पे रूही भाभी को चलवाने वाली थी। अच्छा हुआ वो औरतें आ गई, वरना पता नहीं रूही भाभी की क्या हालत होती। हाँ, पता नहीं कहां से टपक पड़ी वो और पूरे काम में बिगड़ी डाल दिया। पता नहीं किसने फोन किया उन्हें, जरूर रूही ने या उसके घर वालों में से किसी ने बताया होगा। जिसने भी बताया है ना, उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। हेलो नंदिनी, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। देख, तू महिला मोर्चा की हेड है ना, मुझे तेरी एक मदद चाहिए। देख, तू प्लीज इसमें पुलिस को मत इन्वॉल्व करना। बस मुझे डर है कि माजी की हरकतों की वजह से कहीं कोयल्स हमें जेल में ना पहुंचा दे घरेलू हिंसा के चक्कर में। देख नंदिनी, तुझे तो पता है ना, घरेलू हिंसा में जल्दी बेल भी नहीं होती, हमारा पूरा परिवार जेल भी जा सकता है। माजी क्या फर्क पड़ता है किसने फोन किया किसने बुलाया, मुझे आप ये सोचे हम सब लोग घरेलू हिंसा के चार्ज में जेल जाने से बच गए हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये मेरे घर वाले इस हद तक गिर सकते हैं कि ये महिला मोर्चे वाली औरतें मेरे घर तक आ जाएंगे। अरे देखो तो, बीवी के आते ही अपनी दादी से जुबान लड़ा रहा है। दादी आपने मुझे मजबूर किया है, ये देखिए, ये क्या है दादी, ये क्या है? रूही का घर में घूमना नहीं है, वो अपवित्र है। मैं ऑफिस जाता हूँ और मेरे पीठ पीछे ये सब चलता है यहाँ पे, बताइए क्या है। पता नहीं मेरे पीठ पीछे क्या क्या चलता है यहाँ पे। अरे मैं तो ये शादी नहीं करना चाहता था, आप लोगों के वजह से मैंने ये शादी की है। अरे शादी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, किसी भी औरत के साथ ये बर्ताव ऐसा किया जाता है क्या? दादी ऐसा नहीं होता है, ऐसे दुर्व्यवहार नहीं किया जाता किसी भी औरत के साथ। दादी मैं जानता हूँ आप जात पात को बहुत मानती हैं, लेकिन इंसानियत, आप इंसानियत कैसे भूल सकती हैं? आपने रूही की कोयला वाली परीक्षा लेने का सोचा भी कैसे? समर, अभी कभी ये कोयला फेंक क्या हो? देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।